नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सीडलिंग्स लगाने के लिए कैसा सॉयल मिक्सचर चाहिए और सीडलिंग्स हमें कैसे लगानी है, कैसे उसकी केयर करनी है। और मैं आपको जो मेरी पुरानी लगी सीडलिंग्स हैं, जो मेरे पौधे बन गए हैं, उन्हें मैं गमलों में ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको पौधे निकालने हैं और कैसे उसे ट्रांसफ़र करना है ताकि वो पौधे ख़राब ना हो। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सीडलिंग मिक्स आप 3-4 तरीके के बना सकते हैं, जैसे कि 50% गार्डन सॉयल और 50% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप परलाइट और वर्मी कोलाइट की मदद से भी सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं। पर जो सबसे बेस्ट सीडलिंग मिक्स है, जिसे मैं यूज करता हूं और इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला है, वो 50% कोकोपीट और 50% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको अवेलेबल हो सके। दोस्तों, इसको आप देख लीजिए, जितनी मात्रा में आपने कोकोपीट लिया है उतनी मात्रा में काउडंग कंपोस्ट को लेके इसमें मिक्स कर लेंगे हम। और ध्यान दीजिएगा, सीडलिंग मिक्स में दोस्तों इस तरह के जो बने होते हैं हार्ड, वो होती उसे आप फोड़ लें, ये ऐसे बने ना हो ढुक्के वगैरह, तो इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम, ये हमारा सीडलिंग ट्रे है जिसमें हम इसे लगाएंगे। मैं भिंडी का बीज लगा के आपको दिखाऊंगा। आप चाहें तो इस तरह के 4 इंच के या 6 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप लौकी या कद्दू के बीज लगा रहे हैं तो आप इनमें प्रेफर कीजिए, सीडलिंग मिक्स इसमें भर के आप इनमें सीड्स लगाइए। तो दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, ये हमारा सीडलिंग मिक्स तैयार है, रेडी है। अब इसे हमने अपने इस सीडलिंग पॉट में, सीडलिंग ट्रे में हम इसे भरेंगे। दोस्तों, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का सीडलिंग मिक्स इसलिए ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर होल्डिंग होता है, नमी बनाए रखता है, और दूसरी चीज़ पोरोसिटी इसमें बहुत होती है। आप देखिए, इसमें मिक्स कर लिया हमने और ये पूरी भुरभुरी है। तो जब सीडलिंग्स फर्स्ट स्टेज में होती है हमारी, उसमें रूट्स निकलने स्टार्ट होते हैं, तो अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो वो हार्ड हो जाती हैं। जब हार्ड हो जाती हैं तो जड़ें हमारी अच्छे से फैल नहीं पाती क्योंकि वो अभी फर्स्ट स्टेज में होती हैं, तो पोरोसिटी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के मिक्सर को। आप इस तरह से ये पूरा भर लीजिए सीडलिंग ट्रे। सीडलिंग ट्रे दोस्तों, थोड़ा आप ये जो साइज है इसकी, कम से कम 2 इंच की यूज कीजिए, क्योंकि जब हमारे सीड्स निकलते हैं तो उनकी स्टार्टिंग में रूट्स बहुत तेज़ निकलती हैं, और कुछ दिन 2 से 3 ट्यूलिप्स आने तक हमें सीडलिंग ट्रे में ही पौधों को रखना होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 इंच की आपकी ट्रे हो, 2 इंच के होल्स के साथ आपकी ट्रे हो, तो उसमें आपके सीड्स जर्मिनेट भी करेंगे और अच्छी ग्रोथ भी लेंगे। तो हमने इसे इस प्रकार भर लिया है। अब इसे भरने के बाद दोस्तों, हम इसे हल्का हल्का दबा लेंगे उंगलियों की मदद से, ताकि इसमें एयर ना रह जाए, एयर गैप ना रह जाए, और हमारे सीड्स जिसमें खाली होगा उसमें हम और मिक्स भर लेंगे। और इस प्रकार दोस्तों, हमने इसे भर लिया। अब ये मेरी भिंडी की सीड्स हैं दोस्तों, इसे मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दिया था। आप भी चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर भिगा के रखते हैं तो जर्मिनेशन जल्दी होती है। तो इसे मैं पानी निकालूंगा। और दोस्तों, इसमें देखिए, जब भी हम सीड्स लगाते हैं तो कुछ सीड्स हमारे ऊपर आ जाते हैं, जो सीड्स ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं वो सारी सीड्स ख़राब होते हैं, आप उन्हें निकाल के फेंक दीजिए। जो तली में बैठे होते हैं सिर्फ वही सीड्स हमें सो करनी है। हमने इसमें से पानी निकाल लिया है पूरा, और इन सीड्स को मैं इस सीडलिंग मिक्स में एक पुल में एक ही सीड लगाएंगे इस प्रकार से।
ये देखिए दोस्तों, ये मेरा हो गया। अब इसे हल्के हाथों से हम इसमें दबा देंगे अंदर की तरफ। देखिए ज़्यादा गहराई में हमें सीड्स नहीं लगाने होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई में लगा देंगे तो सीड्स जर्मिनेशन में टाइम ज़्यादा लेंगे। सीड्स लगाने का दोस्तों गोल्डन रूल होता है कि जितना सीड की जो साइज है, आप उसी साइज के हिसाब से उतना ही अंदर सीड्स को लगाना चाहिए। तो भिंडी की सीड्स का साइज आप देख लीजिए, इसे बस हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है और फिर ऊपर हमें सीडलिंग मिक्स भुरभुरा देना है। इसको सीडलिंग मिक्स से ही बराबर कर लेना, ढक देना है हमें इस भिंडी के बीज को, और ये अच्छे से हमें सारे बीज सीड्स देख के ढक लेना है। और इसके बाद दोस्तों इसमें हल्की वाटरिंग करनी है हमें, और वाटरिंग करने के बाद दोस्तों इसको हमें शेडेड एरिया में रखना है, इसमें बारिश से बचाना है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जब डायरेक्ट बारिश हमारे सीडलिंग ट्रे में पड़ेगी तो वो हमारे सीड्स को ख़राब कर देगी, सीड्स हमारे खुद के बाहर चले आएंगे या फिर जर्मिनेशन नहीं होगी, सीड्स गलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार हमने ये सीड्स लगा लिए हैं, अब हम इसमें करेंगे वाटरिंग। वाटरिंग दोस्तों उतनी ही करनी है कि हमारा मॉइस्चर गीला रहे, ना कि मिट्टी बाहर आए या फिर ओवर वाटरिंग हो जाए। तो ये हमारा वाटरिंग हो गया, अब हम इसे किसी शेडेड प्लेस पर रख देंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना जाती हो या फिर बारिश का पानी ना जाए। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारी सीडलिंग्स, जब हमारी ट्यूलिप्स इसमें आ जाती हैं सीडलिंग्स में, तो इन्हें हमें ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर एक स्टेज के बाद ये ग्रोथ नहीं करती हैं और पौधे मरने लग जाते हैं। तो इसे हमें ट्रांसप्लांट कैसे करना है, ये देखिए मेरा टमाटर का पौधा है, तो इसे हमें किसी चम्मच से या किसी टूल्स की मदद से, ये देखिए इसे हमें जड़ के पास से यूं इस प्रकार इसे निकाल लेना है। ऐसे हमने इसे निकाल लिया, ऐसे हम जब निकालेंगे इसे तो हमारा पौधा ट्रांसफर सोक में नहीं जाएगा। एक दिन तो ट्रांसफर सोक में रहेगा, लेकिन फिर पौधा हमारा ग्रो अप कर लेगा। और चूंकि मेरे ग्रो बैग्स अभी दोस्तों खाली नहीं हैं, तो मैं इस तरह की 5 इंच की इसमें लगा रहा हूँ पॉट में, प्लास्टिक पॉट में, जिसमें इसके बाद फिर मैं कुछ दिन बाद इससे फिर अपने ग्रो बैग्स में ट्रांसफ़र करूँगा। तो इससे हमें इसमें जो सॉयल मिक्स है, इसमें मैंने दोस्तों गार्डन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को बराबर मात्रा में मिलाया हुआ है, और मैंने इसमें इस प्रकार से देखिए आप हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हमें कर देनी है वाटरिंग अच्छे से। वाटरिंग इतनी कर देनी है कि ड्रेनेज होल से पानी हमारा बाहर निकलने लग जाए, और इसे हमें 2 दिन तक किसी शेडेड प्लेस पर रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। ऐसे ही देखिए मेरा ये बैंगन का पौधा है, इसको भी मैं अभी ग्रो बैग खाली ना होने की वजह से मैं आपको दिखाऊँ, इसे भी मैं इसी प्रकार किसी चीज़ की मदद से, आप किसी भी चम्मच उम्मच किसी भी चीज़ की मदद से इसे आप इस प्रकार जड़ के साथ निकाल सकते हैं। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए, और इन्हें मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा इस प्रकार दोस्तों, और फिर इसमें भी हम कर देंगे अच्छे से वाटरिंग। और वाटरिंग करने के बाद इन्हें हम रख देंगे शेडेड प्लेस पे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना जाती हो या फिर बारिश का पानी ना जाता हो। तो इस प्रकार दोस्तों सीडलिंग्स कैसे बनानी, कैसे जर्मिनेट करनी है, क्या सॉइल मिक्स होगा सीडलिंग्स के लिए, और उन्हें हमें रीपॉट कैसे करना है, ये पूरी जानकारी मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।